पॉइंट जो है उसको पिछले नॉलेज से रिलेट करके पूछ सकता है या फिर कोई एग्जांपल पूछ सकता है जिससे प्रीवियस नॉलेज जो है वो डेमोनस्ट्रेट हो रहा हो तो ये मुख्तु किस्म के तरीके हैं किसी भी नई इंफॉर्मेशन को पहुँचाने से पहले अगर वो एडवांस लेवल का कोई कॉन्सेप्ट है तो फिर प्रीवियस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर पूछना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट को दोनों को मिला के फिर बच्चों को एक पूरी ओवरऑल सिचुएशन जो है वो समझ आ जाती है लेकिन हमेशा जब एडवांस नॉलेज बच्चों को पहुंचाया जाए तो उनकी पहले बेसिक जो है वो ज़रूर पूछनी चाहिए क्योंकि अगर बच्चों को बेसिक का पता नहीं तो फिर आपके एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा तो यहाँ पे चिल्ड्रन और यूथ जो है उनको एक एक्सपीरियंस होता है लर्निंग का पिछला तो उसके बाद जो है अगर एक लैंग्वेज जैसे साइकोलॉजी का कोई सब्जेक्ट है अब उसकी बेसिक जो है वो अगर वो पहले से फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं अब वो फ़ोर्थ ईयर में आ गए हैं तो फोर्थ ईयर से अगर आप डेफिनेशन का आगाज़ करेंगे तो वो उनके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं, नहीं होगी तो बेसिकली आपने डेफिनेशन बच्चों से पूछनी है और प्रीवियस नॉलेज पूछने के बाद उस डेफिनेशन को आज का जो नया आपकी कॉन्सेप्ट है कोई थेरी है उसके साथ आपने उसको रिलेट करके कॉम्प्लेक्स uh, स्टाइल में या कॉम्प्लेक्स नॉलेज जो है वो उन तक पहुंचाना है लेकिन जब तक हम अपने न्यू नॉलेज को प्रायर नॉलेज के साथ रिलेट नहीं करते बच्चे एक पूरी ओवरऑल स्टोरी जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो अब उस प्रीवियस नॉलेज और नए नॉलेज को आपस में रिलेट करने का तरीका क्या हो सकता है कि एक टीचर जो है वो किसी भी सूरत में चाहे किसी स्टोरी की सूरत में आ, पिछली जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको बता के पूछ सकता है जी उसका इसका अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या हो सकती है पिछली स्टेज में तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये थी जैसे क्रिटिकल थिंकिंग की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि उसकी डेफिनेशन ये है कि वो एनालिसिस और अवैलुएशन ऑफ थाट्स या किसी भी इंफॉर्मेशन का नाम है तो अब हम उसको रिलेट कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट नॉलेज की स्टेज के साथ कि अब क्रिटिकल थिंकिंग की जो अगर एनालिसिस और एवेलुएशन उसका मतलब है तो हम कौन सी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ और एवेलट कर सकते हैं क्या हम तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलुएट और एनालाइज़ कर सकते हैं या कोई स्पेसिफ़िक इन्फॉमेसन है जिसको हम अवेलुएट कर सकते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली स्टूडेंट्स की माइंड को खोलने का तरीका है कि वो ज़रा ओपन माइंड हो के अपने नॉलेज को रिकॉल भी करें और उसको रिलेट भी करें knowledge ke saath. So this is very good technique to just uh, bring your students to to just uh, towards the new topic and uh, unless you will rely, relate the new knowledge with the previous knowledge, students will not comprehend uh, the complete story of the concept. So to give them the complete summary story or the situation of the theory or any concept, you need to just tell them, Uh, the 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 द कनेक्शन दैट प्रिवियसली देव एक्चुअली इस्टेब्लिश्ड you need to just you know relate this this uh, this relation with the new knowledge तो जब तक हम कड़ी से कड़ी नहीं मिला के पढ़ाते कभी भी एक चेन की सूरत में बच्चे जो हैं वो स्टोरी को अंडरस्टैंड नहीं करते सो रिकॉलिंग एंड रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन previous information विद the न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट to understand the whole story of the concept.